तो सॉलिड स्टेट में लास्ट में क्या पढ़ाए थे पिछले संडे को? हाँ क्या था? पोजीशन ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड इन HCCP FCC, राइट। और उसके बाद ऑक्टाहेड्रल वॉइड का पोजीशन भी तो बताया था। ऑक्टाहेड्रल वॉइड का पोजीशन कहाँ था? एज का सेंटर में और बॉडी का सेंटर में, राइट। और वहाँ से आपने क्या ऑब्जर्व किया था? वहाँ से हम लोग ऑब्जर्व किए कि क्लोज पैकिंग के लिए जितना इफेक्टिव नंबर ऑफ लैटिस स्फेयर रहेगा उतना ही नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड रहेगा, और उसका जस्ट डबल टेट्राहेड्रल वॉइड रहेगा, इज इट राइट? चलिए तो अगर HCP का बात करेंगे तो देन इफेक्टिव नंबर ऑफ लैटिस स्फीयर, मतलब जो लैटिस स्फीयर मतलब जो लैटिस पॉइंट पे है, लैटिस स्फीयर कितना था स्टूडेंट? 6 था ना। तो नंबर ऑफ OB कितना रहेगा इसमें? 6। और नंबर ऑफ TV कितना रहेगा? 12 रहेगा। इसको लिख लीजिए। चलिए अब हेडिंग बनाइएगा, स्ट्रक्चर ऑफ आयनिक कंपाउंड। स्ट्रक्चर ऑफ आयनिक कंपाउंड, हेडिंग है आयनिक कंपाउंड। उसे पहला पॉइंट बनाइएगा, द बिगर एटम और आयन। देखिए जैसे ही आयनिक कंपाउंड बोल दिए, बट इसका मतलब मोटा मोटी मान के चलिए कि मैं सॉल्ट और ऑक्साइड का बात करने वाला हूँ मोस्टली, ठीक है? मतलब जहाँ पे कटायन और अनायन दोनों रहेगा, राइट। जहाँ पे क्या रहने वाला है? कटायन एंड अनायन। तो अभी तक जो भी हम लोग स्टडी कर रहे थे एवरीवन, उसमें ओनली वन टाइप ऑफ स्फीयर पे हम लोग बात कर रहे थे, राइट। बट वैसा सिचुएशन, सब लोग सुन पा रहे हैं? वैसा सिचुएशन जहाँ पे मोर देन वन डिफरेंट टाइप ऑफ स्फीयर रहेगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि किसी का साइज बड़ा रहेगा, किसी का साइज छोटा रहेगा, राइट। तो उस टाइम पे पहला पॉइंट लिखिए, द बिगर एटम और आयन, द बिगर एटम और आयन विल फॉर्म द बिगर एटम और आयन विल फॉर्म द लैटिस, विल फॉर्म द लैटिस। इसका मतलब ये हुआ कि एक्चुअल में बिगर एटम और आयन के वजह से ही सॉलिड का स्ट्रक्चर बना, और उसको बनने की वजह से वॉइड क्रिएट हुआ, ठीक है एवरीवन? द बिगर एटम और आयन विल फॉर्म द लैटिस, इट मीन्स बिगर एटम और आयन ऑक्यूपाई लैटिस पॉइंट। इट मीन्स बिगर एटम और आयन ऑक्यूपाई लैटिस पॉइंट। एंड
अ स्मॉलर एटम और आयन एंड अ स्मॉलर एटम और आयन ऑक्यूपाई द पोजिशन ऑफ वॉयड. द स्मॉलर एटम और आयन गोज टू, लिखिए ज़्यादा बेटर है, गोज टू द वॉयड्स. ये तो पहला पॉइंट हो गया, ठीक है. अब देखिए स्टूडेंट, मोस्टली इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट मोस्टली किसका साइज बड़ा रहता है. इन जनरल अनायन का साइज बड़ा रहता है और कटायन का साइज छोटा रहता है, राइट. बट दिस इज नॉट ए रूल, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या बोला, मैंने बोला बिगर एटम और आयन कौन सा पोजीशन को ऑक्यूपाई करेगा. बोली भाई लैटिस पॉइंट को मेन रूल ये है एंड अ स्मॉलर एटम और आयन कौन सा जगह पे जाएगा जो इस लैटिस पॉइंट के वजह से जो वॉयड बना वॉयड में जाएगा, राइट. लेकिन यहाँ पे किसका कोऑर्डिनेशन नंबर फिक्स रहेगा. सर वॉयड का कोऑर्डिनेशन नंबर फिक्स रहेगा, राइट. सपोज कीजिए कि अगर मेरा लीनियर वॉयड है. लीनियर वॉयड का मतलब क्या समझते हैं बताइए तो. सर लीनियर वॉयड का मतलब है कि दो एटम एक लाइन पे है और उसके बीच का खाली जगह, दिस इज कॉल्ड लीनियर वॉयड, राइट. ट्रायंगुलर वॉयड का मतलब, ट्रायंगुलर वॉयड का मतलब एक ट्रायंगल के वर्टिसेस पे है और लैटिस स्फीयर और उसके वजह से जो बीच में जगह खाली हुआ वो क्या है, ट्रायंगुलर वॉयड. उसके बाद टेट्राहेड्रल वॉयड, उसके बाद ऑक्टाहेड्रल वॉयड और उसके बाद क्यूबिकल वॉयड. तो हम लोग को जो फेस करना पड़ेगा जितना डिफरेंट टाइप ऑफ वॉयड, उससे मोटा मोटी चार टाइप का वॉयड को हम लोग फेस करना पड़ेगा. कौन कौन सा, लीनियर वॉयड, ट्रायंगुलर वॉयड, उसके बाद टेट्राहेड्रल वॉयड, ऑक्टाहेड्रल वॉयड और क्यूबिकल वॉयड. ये पांच टाइप का वॉयड से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है. बट मोस्टली किस जनरली किसका साइज बड़ा रहेगा, तो सर अनायन का साइज बड़ा रहेगा, वजह इलेक्ट्रॉन बाहर से आ रहा है तो उसका क्लाउड और एक्सपेंड करेगा, और कटायन का साइज जनरली छोटा होता है, इसलिए मोस्टली जनरली कटायन वॉयड में जाता है और अनायन लैटिस पॉइंट पे जाता है. बट इज इट ए रूल, दिस इज नॉट ए रूल, रूल इज दिस वन, ओके. क्योंकि समटाइम्स ऐसा है कि बहुत सारे केस में कटायन का साइज ही बड़ा हो जाता है और अनायन छोटा हो जाएगा, तो उस टाइम पे हम लोग इसको पकड़ के रखेंगे. लेकिन फिर भी एक पॉइंट लिखिए, जनरली साइज ऑफ अनायन
पॉइंट को लिखिए, इस पे ऑलवेज क्वेश्चन आता है। मैंने क्या यहाँ पे लिखा स्टूडेंट, इन केस ऑफ आयनिक कंपाउंड्स कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ वॉयड्स आर फिक्स्ड एंड कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ लैटिस स्फीयर कैन बी कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ वॉयड। अब हो सकता है कि मैंने जो ये बात बोला वो थोड़ा सा आपको अल्टर लग सकता है। अल्टर लगने का सेंस है कि सर कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ लैटिस स्फीयर तो ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, करेक्ट। फॉर एग्जांपल एफसीसी में नियरेस्ट नेबर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना, 12 था ना, और सिंपल क्यूबिक सिस्टम में किसी भी कॉर्नर का स्फीयर का उठाते हैं तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 12 आया था। बॉडी सेंटर क्यूबिक सिस्टम में हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर 8 आया था, करेक्ट। और एचसीपी में कितना आया था, 12, यस 12 आया था। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब नियरेस्ट नेबर, लेकिन भाई वो जो कोऑर्डिनेशन नंबर था वहाँ पे हर जगह पे मैं लिखवा रहा था कि दिस इज द कोऑर्डिनेशन नियरेस्ट नेबर, दिस इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ लैटिस स्फीयर व्हेन स्फीयर इज नॉट प्रेजेंट इन द वॉयड, राइट। वॉयड में जब कोई स्फीयर नहीं है तब उस टाइम के लिए वो कोऑर्डिनेशन नंबर है, लेकिन अगर स्फीयर लैटिस पॉइंट पे भी है और अगर वॉयड में भी है, लैटिस पॉइंट भी और वॉयड में भी, तब लैटिस स्फीयर का कोऑर्डिनेशन नियरेस्ट नेबर लैटिस स्फीयर नहीं रह जाता है, लैटिस स्फीयर का नियरेस्ट नेबर वॉयड में प्रेजेंट स्फीयर बन जाता है, समझे एवरीवन। तो इन केस ऑफ आयनिक कंपाउंड तो वही होने वाला है, इन केस जैसे ही आपने आयनिक कंपाउंड बोल दिया मतलब आपके पास कटायन है और अनायन है, सब लोग को समझ में आ रहा है, कटायन भी है और अनायन भी है। तो जिसका साइज बड़ा रहेगा वो लैटिस पॉइंट पे जाएगा और जिसका साइज छोटा रहेगा वो वॉयड में जाएगा। तो जिसका साइज छोटा रहेगा वो वॉयड में जाएगा तो उस टाइम पे लैटिस स्फीयर का कोऑर्डिनेशन नंबर वॉयड के में प्रेजेंट स्फीयर के हेल्प से निकालेंगे, समझे। इसलिए पहले वाला जो कोऑर्डिनेशन नंबर हम लोग पढ़ रहे हैं वो दैट कोऑर्डिनेशन नंबर इज वैलिड ओनली व्हेन देयर इज नो स्फीयर प्रेजेंट इन द वॉयड, इज इट राइट। चलिए एक और पॉइंट लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट। इन आयनिक कंपाउंड फॉर मैक्सिमम स्टेबिलिटी, देखिए आयनिक कंपाउंड का मैक्सिमम स्टेबिलिटी के लिए क्या चाहिए सर, मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑपरेट होना चाहिए, राइट। कटायन और अनायन के बीच में मैक्सिमम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर मैक्सिमम रहेगा, अट्रैक्शन मैक्सिमम, तो स्टेबिलिटी भी मैक्सिमम और एनर्जी लेवल मिनिमम, राइट। लिखिए पॉइंट वन बनाकर, ए कटायन मस्ट बी सराउंडेड बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ अनायन इन आयनिक कंपाउंड फॉर मैक्सिमम स्टेबिलिटी। नहीं, एक पॉइंट ही इसको बनाइए, जैसे हम लोग 1, 2, 3 कुछ पॉइंट लिख रहे थे ना, उसमें एक पॉइंट, जो भी पॉइंट बनाते हैं उसके अंदर एक छोटा सा पॉइंट, इन आयनिक कंपाउंड फॉर मैक्सिमम स्टेबिलिटी ए कटायन मस्ट बी सराउंडेड बाय, ए कटायन मस्ट बी सराउंडेड बाय ए कटायन मस्ट बी सराउंडेड बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ अनायन, ए कटायन मस्ट बी सराउंडेड बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ अनायन एंड वाइस वर्सा। ये पहला पॉइंट है। तो अगर कटायन के चारों तरफ मैक्सिमम अनायन रहेगा और अनायन के चारों तरफ मैक्सिमम कटायन रहेगा, इसका मतलब कटायन अनायन से घिरा हुआ हो और अनायन कटायन से घिरा हुआ हो तो मैक्सिमम अट्रैक्शन रहेगा, राइट।
चलिए नेक्स्ट पॉइंट, अनायन अनायन एंड कटायन कटायन, अनायन अनायन एंड कटायन कटायन कॉन्टैक्ट शुड बी एवॉइडेड, अनायन अनायन एंड कटायन कटायन कॉन्टैक्ट शुड बी एवॉइडेड। अब देखिए, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट जैसे हम लोग लैटिस स्फेयर का कोऑर्डिनेशन नंबर निकालते थे, वैसे ही कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कटायन का डिफिनेशन क्या रहेगा आपके अकॉर्डिंग। तो कटायन किसके, कटायन किससे घिरा रहेगा, इज इट कटायन घिरा हुआ बाय कटायन या अनायन से, इसका मतलब वन ऑफ द पार्टिकुलर कटायन जितना नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर उसका अनायन रहेगा, इसका मतलब नंबर ऑफ अनायन सराउंडेड वन ऑफ द पार्टिकुलर कटायन, किसी भी एक पार्टिकुलर कटायन को जितना नंबर ऑफ अनायन घेरे हुए रहेगा वही कटायन का कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाएगा। समझे स्टूडेंट, एक लिखिए, नंबर ऑफ अनायन सराउंडेड एनी कटायन, नंबर ऑफ अनायन सराउंडिंग एनी कटायन इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कटायन। इसका मतलब कटायन का कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने के लिए उसके चारों तरफ का अनायन को काउंट करेंगे, ठीक है। उसी तरीके से आयनिक कंपाउंड में कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ अनायन के लिए क्या लिखिएगा डिफिनेशन, नंबर ऑफ कटायंस सराउंडिंग एनी अनायन। चलिए यहाँ तक समझ में आया। अब एक एग्जाम, यस मान लेते हैं कि मैंने कोई सॉल्ट लिखा, और सॉल्ट में तो पता है ना कि पहले कटायन लिखते हैं बाद में अनायन लिखते हैं, तो इसमें कटायन कौन अनायन कौन, तो सर ए है कटायन, राइट, ए है कटायन और बी है अनायन, करेक्ट। तो अब बताइए, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट, जरा गेस कीजिए, तो इस अगर सॉल्ट का फार्मूला Ab2 है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट अगर सॉल्ट का फार्मूला Ab2 है, अच्छा जो फार्मूला सॉल्ट का लिखेंगे इज इट कंपल्सरी कि यही फार्मूला मेरा यूनिट सेल का फार्मूला रहेगा, सर मे और मे नॉट, राइट। फॉर एग्जाम्पल, अरे किसी कंपाउंड का, यहाँ देखिए किसी कंपाउंड का फार्मूला यूनिट सेल फार्मूला, इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग किए थे ना, अगर X4x8 आता है, करेक्ट एवरीवन, ये यूनिट सेल का फार्मूला है X4x8, तो इसका फार्मूला तो जो हम लोग पढ़ेंगे वो तो X/2 पढ़ेंगे ना, सिंपलेस्ट रेशियो, ये तो क्या है यूनिट सेल का फार्मूला था, तो यूनिट सेल का फार्मूला और मॉलिकुलर फार्मूला सेम ही रहेगा या अलग अलग रहेगा, अलग अलग रहेगा, राइट। फॉर एग्जांपल आगे चलकर आपको पढ़ाएंगे, आप लोग को बोर्ड दिखाई पड़ रहा है, NaCl का जब स्ट्रक्चर पढ़ाएंगे तो उसमें उसका एक वन यूनिट सेल में Na4Cl4 आता है, क्या आता है यूनिट सेल फार्मूला NaCl का Na4Cl4 आएगा, बट NaCl का फार्मूला तो हम लोग NaCl लिखेंगे, राइट। इसका मतलब यूनिट सेल फार्मूला और मॉलिकुलर फार्मूला दोनों डिफरेंट है, राइट। यूनिट सेल फार्मूला का मतलब हुआ कि वन यूनिट सेल में कितना सोडियम है और कितना क्लोरीन है, तो सोडियम का 4 एटम और क्लोरीन का 4 एटम, इसका मतलब हाउ मेनी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ NaCl इन वन यूनिट सेल, 4, राइट, करेक्ट है। चलिए तो अब यहाँ पे अगर मेरा सॉल्ट Ab2 है तो वन कटायन के लिए कितना अनायन यहाँ पे ले रहे हैं, फॉर वन कटायन हाउ मेनी अनायन, 2, राइट, यस। अब उल्टा बोलिए, वन अनायन के लिए कितना कटायन इस फार्मूला से, हाफ ना,
वन अनायन के लिए कितना कटायन? हाफ रहेगा, राइट। इसका मतलब है कि यहाँ से जरा गेस कीजिए, आपने तक यहाँ से इंट्यूशन कि सर यहाँ पे यहाँ से ही बता देंगे कि कटायन का कोऑर्डिनेशन नंबर ज़्यादा है, राइट। कटायन का कोऑर्डिनेशन नंबर, क्योंकि एक कटायन के लिए दो अनायन, एक कटायन के चारों तरफ दो अनायन, बट एक कटायन के चारों तरफ वन कटायन। इसका मतलब डैम श्योर इस फार्मूला में अगर कोऑर्डिनेशन नंबर निकालेंगे तो जो भी कोऑर्डिनेशन नंबर एक आएगा वो अनायन के कोऑर्डिनेशन नंबर के रेस्पेक्ट में कटायन का कोऑर्डिनेशन नंबर जस्ट डबल रहेगा, इट राइट। मैंने यही नहीं बोला कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर दो ही रहेगा, ये तो फार्मूला है, लेकिन यहाँ से समझ में तो आ गया कि इस एक का कोऑर्डिनेट एक इसका वन कटायन के लिए दो अनायन है, इसका मतलब इसका इसके इसके कटायन के चारों तरफ अनायन ज़्यादा रहेगा और अनायन के चारों तरफ कटायन कम रहेगा, राइट। इस मका मतलब है कि कटायन का यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर डैम श्योर ज़्यादा रहेगा, करेक्ट है। अब देखिए यहाँ से आपको फायदा क्या होगा, लेट अस सपोज मैंने कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ए आपको दे दिया, मान लीजिए एट, कोऑर्डिनेशन नंबर एट दे दिया तो कोऑर्डिनेशन नंबर बी कितना होगा, जरा गेस कर सकते हैं? अगर यहाँ पे इस फार्मूला में अगर मैंने बोल दिया कि देखिए ए का कोऑर्डिनेशन नंबर एट है, करेक्ट, देन व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ बी? वेरी गुड, फोर। कैसे? तो सर ये तो यूनिट्री मेथड से यहाँ से देख लिए, ए के लिए दो चाहिए था, राइट। इसका ए के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट कि यहाँ पे इसका जो भी कोऑर्डिनेशन नंबर था रहेगा बी का वो ए से आधा रहेगा, तो अगर ए का 8 है तो बी का 4 रहेगा, करेक्ट। बोलिए भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर बहुत बार क्वेश्चन आया है, और यहाँ पे अगर नहीं सीखेंगे तो ऑब्जेक्टिव आपसे बिल्कुल नहीं बनेगा। अरे यहाँ इस चीज़ को अगर हम लोग समझ गए, इसका मतलब यहाँ पे 4 है तो इसका कोफिशियंट और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर का रेशियो में कोई रिलेशन है? देखिए तो कोफिशियंट ऑफ कटायन आर डिवाइडेड बाय कोफिशियंट ऑफ अनायन इक्वल टू, तो कोफिशियंट ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ, वेरी गुड, अनायन, जस्ट उल्टा है नहीं, और डिवाइड बाय कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कटायन, ये आपका लाइफ बना देगा ये फार्मूला। यहाँ तक आइए, हो गया। तो मान लेते हैं, जनरलाइज अब करते हैं, ए एक्स बी वाई, तो क्या हम लिख सकते हैं एक्स बाई वाई, ये किसका कोफिशियंट है? कटायन का ना। एक्स बाई वाई इक्वल टू कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ अनायन और डिवाइड बाय कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कटाएं। यहां तक आ जाओ, हो गया। अब देखिए इसका थोड़ा डेमो दें, मान लेते हैं यहाँ देखिए मेरा फार्मूला ए है सॉल्ट का, ए बी, तो यहाँ पे ए का और बी का कोऑर्डिनेशन नंबर डिफरेंट होगा या सेम होगा स्टूडेंट, अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट?
सेम होगा राइट। और अगर मैंने बोल दिया कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ए इक्वल टू सिक्स, मैंने मैं ए के बारे में श्योर हूँ, बी के बारे में श्योर नहीं हूँ, ए के बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन से कुछ क्वेश्चन का लैंग्वेज से मुझे श्योर हो गया कि इफ़ कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ए इज सिक्स तो व्हाट द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ बी, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ बी इक्वल टू व्हाट, तो इस फार्मूला से क्या निकाल पाएंगे, कितना हो जाएगा, सिक्स हो जाएगा। अब यहाँ देखिए ए बी टू, और मैंने बोल दिया ए ऑक्यूपाई कटायन ऑक्यूपाई ऑक्टाहेड्रल वॉइड, इट राइट, कटायन ऑक्यूपाई ऑक्टाहेड्रल वॉइड, देन व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ बी, ये मेरा लैंग्वेज है, व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ बी, ऐसे हाइपोथेटिकल मैंने कुछ सोचा। तो भाई यहाँ पे बी के बारे में, बी कहाँ पे है या कैसे है या कौन सा ये एफ सी सी है बी सी सी है कुछ तो पता है नहीं आपको राइट, कुछ मैंने वो बोला ही नहीं कि किसका स्ट्रक्चर, बस मैंने एक ऑब्जेक्टिव सेट कर दिया कि कटायन ऑक्यूपाई ऑक्टा जहाँ भी है लेकिन ऑक्टाहेड्रल वॉइड में है, तो भाई ओ बी का तो कोऑर्डिनेशन नंबर फिक्स है, इज इट राइट। इसका मतलब किसके कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए आप श्योर हैं, किसके कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए श्योर हैं, सर ए का कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए श्योर हैं, और ए के हेल्प से बी का निकालेंगे इस फार्मूला से राइट। तो क्या यहाँ पे वन बाई टू इक्वल टू क्या लिखेंगे, सिक्स बाई कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ, सॉरी कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ अनायन और डिवाइडेड बाई कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कटायन, देखिए तो सही है, ये जितना आसान आपको ये लग रहा है उतना आसान था नहीं भाई, ये मैं अपने टाइम पे मुझे याद है कि टेस्ट देता था तो इस टाइम पे इस टाइप का बहुत सारा क्वेश्चन ऑल इंडिया लेवल पे टेस्ट जो चलता था उसमें आधे रहता था, अब उसमें सोचा कि ये तो ऐसे तो पता चलेगा नहीं, फिर वहाँ पे देखा, और कभी कभी कुछ सोलूशन जो टेस्ट पेपर का है वहाँ से भी सीखना चाहिए, तो कहीं पर एक ऐसा चीज़ मिल गया, फिर लॉजिक लगाया है तो होना भी चाहिए था। तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ अनायन कितना हो जाएगा, हाफ इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कटायन, यहाँ पे कटायन के हेल्प से, और कटायन में भी क्या वॉइड में था कटायन, वॉइड का फिक्स है तो हाफ इंटू ऑक्टाहेड्रल वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, सिक्स, कितना रहेगा कोऑर्डिनेशन नंबर अनायन का, थ्री रहेगा, इज इट राइट। चलिए क्या होगा, डू इट फास्ट, वेरी गुड, अब तो सॉल्व हो जाएगा ना, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ बी कितना हो जाएगा, इसका मतलब किसके हेल्प से किसका निकाले, और इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट अगर ए बोल दिए हैं कि वॉइड में है, इसका मतलब लैटिस पॉइंट पे कौन है, बी, लैटिस पॉइंट पे कौन है, ए है अगर वॉइड में तो दोनों तो वॉइड में रहेगा नहीं, इसका मतलब बी लैटिस पॉइंट पे रहा होगा, इज इट राइट, जहाँ जब यहाँ पे दो टू डिफरेंट टाइप ऑफ एटम है, इसका मतलब है कि यहाँ पे बी का साइज पक्का बड़ा रहा होगा अनायन का, कटायन का साइज छोटा रहा होगा, ये वॉइड में गया है और इससे लैटिस पॉइंट बना है, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन ऑफ बी कितना था, कितना बोले, एट ना, चलिए अब यहाँ पे लिखिए रेडियस रेशियो,
और रेडियस रेशियो में मैं स्मॉलर मानूंगा, रेडियस ऑफ वॉइड, और कैपिटल आर मानूंगा रेडियस ऑफ लैटिस स्फीयर। आपके लिए सबसे पहला इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का तो क्लास करते नहीं हैं, अब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन का करना स्टार्ट कीजिएगा। नेक्स्ट क्लास पहला क्लास होगा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन का, समझे? क्लास छोड़ना नहीं है भाई, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी फर्स्ट टर्म में आएगा, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन और सॉल्यूशन क्वेश्चन, ठीक है? और ऑर्गेनिक जितना जल्दी हो सकता है कवर कीजिए। एक मिनट एक मिनट, हाँ बोलिए। कौन सा क्वेश्चन है? AB2 में मैंने क्या बोला था? कैटायन ऑक्यूपाई एक टर्म यूज किया होगा, वो भी नहीं, तो पहले कल पिछले क्लास में पढ़ाए थे कि जी ओ भी ऑक्टाहेड्रल वॉयड का कोऑर्डिनेशन नंबर फिक्स है, जो भी एटम उस वॉयड में जाएगा उसको उसका कोऑर्डिनेशन नंबर को एक्वायर करना पड़ेगा। ये प्रीवियस लेक्चर का पार्ट था, राइट? देखिए मैं यहाँ पे स्टूडेंट कटायन और अनायन नहीं लिखा हूँ, मैं इसको जनरल ज़्यादा जनरलाइज करें, ऐसे जनरली कटायन का साइज छोटा होता है तो वाइड में हो जाता है, बट ज़्यादा चीज़ों को जनरलाइज करने के लिए मैं आर बाई आर के टर्म में काम कर रहा हूँ। तो आर बाई आर का वैल्यू अगर 0.155 से छोटा और 0 से अगर बड़ा रहेगा, समझे? तो जहाँ तक 0.1 0.155 अगर आप लोग को याद है तो एग्जैक्टली आर बाई आर का रेशियो अगर 0.155 था तो परफेक्ट अरेंजमेंट था ट्रायंगुलर वॉयड का। देखिए तो पिछले क्लास में कहीं पर नोटबुक में लिखा हुआ होगा 0.155 था, तो दिस इज द परफेक्ट अरेंजमेंट, राइट? परफेक्ट अरेंजमेंट का मतलब विदाउट डिस्टर्बिंग द लैटिस स्फीयर, जो तीन स्फीयर है जो आपस में टच में है, बिफोर प्लेसिंग द वॉयड स्फीयर इन द वॉयड एंड आफ्टर प्लेसिंग द वॉयड, इसका परफेक्ट अरेंजमेंट था। लेकिन अगर यहाँ पे रेडियस वॉयड और स्फीयर का रेडियस रेशियो अगर 0.155 से छोटा और 0 से बड़ा रहेगा तो इसका मतलब है कि जो मेरा वॉयड यहाँ पे, जो इसका मतलब मेरा जो भी स्मॉलर एटम रहेगा, ऐसे इसको ऐसे करते चले, हालांकि ये करने में थोड़ा सा मुझे डर इस बात का लगता है कि आप लोग शायद इसको ऑलवेज परमानेंटली दिमाग में बैठा लीजिएगा, क्योंकि कटायन ऑलवेज वॉइड में जाएगा। जनरली कटायन का साइज छोटा रहता है, इसलिए मैं रेडियस रेशियो में कटायन का रेडियस अनायन का रेडियस लिख रहा हूँ, बट मुझे लगता है कि ये
स्टेटमेंट ज़्यादा ऑथेंटिक है, राइट। लेकिन फिर भी जनरली ऐसे लिखा रहता है, इसलिए मैं ऐसा लिख रहा हूँ, बट इसका मतलब ये है कि जनरली कटायन का साइज छोटा है। तो इस टाइम पे कटायन कौन सा वॉइड में जाएगा? लीनियर वॉइड में जाता है। अगर आज आपको कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व किए और रेशियो दोनों का निकाले, और अगर रेशियो का वैल्यू समथिंग लाइक 0.14 आ गया, 0.14, तब ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा इन विच टाइप ऑफ वॉइड कटायन शुड बी प्लेस्ड, या कैसा अरेंजमेंट रहेगा, कैसा वॉइड क्रिएट होगा, वो लीनियर वॉइड रहेगा, समझे। तो सर लीनियर वॉइड का मतलब, लीनियर वॉइड इस टाइप का कि दो लैटिस और स्फीयर के बीच में, मतलब दो अनायन के बीच में एक वन डायमेंशनल अरेंजमेंट रहेगा, एक कटायन रहेगा, समझे स्टूडेंट, समथिंग लाइक दिस, करेक्ट। इसका मतलब है कि अगर आर प्लस वाई आर माइनस का वैल्यू अगर 0.14 मिला, तब आपसे ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा किस टाइप का वॉइड एग्जिस्ट करेगा, और कटायन, या कटायन किस टाइप का वॉइड में जाएगा, या उससे भी थोड़ा ऊपर लेवल का क्वेश्चन, व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द कटायन। तो एक्चुअली यहाँ पे कौन सा लीनियर वॉइड, तो इसके चारों तरफ कितना एटम रहेगा, दो रहेगा, राइट। इस कटायन के चारों तरफ कितना आना है, दो। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कटायन, और उसको ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ अ स्मॉलर एटम, ये ज़्यादा बेटर है, नहीं और करके, ठीक है। तो स्मॉलर एटम बोलते ही दिमाग में आ जाएगा कि स्मॉलर एटम रहेगा तो वॉइड में जाएगा, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, दो रहेगा, समझे एवरीवन। ये पहला केस है। सेकेंड केस, अगर रेडियस रेशियो एग्जैक्ट 0.155 हो गया, इसका मतलब कौन सा वॉइड है, ट्रायंगुलर वॉइड, और एक ट्रायंगुलर वॉइड का परफेक्ट अरेंजमेंट है, राइट। परफेक्ट अरेंजमेंट, बट द मीनिंग ऑफ परफेक्ट अरेंजमेंट, परफेक्ट अरेंजमेंट का मतलब सर कहना चाह रहे हैं कि जितना साइज था वॉइड का परफेक्टली उतना ही साइज का उसमें हम लोग जाके स्मॉलर एटम को डाले हैं। दैट्स वाई कि पहले से जो लैटिस स्फीयर था बिफोर प्लेसिंग, आफ्टर प्लेसिंग वही रहा, और यहाँ पर जैसे ही ट्रायंगुलर वॉइड, देन व्हाट द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द वॉइड, 3, राइट। एक रेडियस से बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ देखिए थर्ड केस, अगर आर प्लस बाई आर माइनस का वैल्यू 0.155 से बड़ा बट 0.225 से छोटा, इसका मतलब क्या हो गया, 0.225 को तो अभी टच नहीं किया है, राइट। 0.225 को अभी टच नहीं किया है बट इससे बड़ा है, इसका मतलब अभी भी कौन सा, किस टाइप का वॉइड रहेगा, ट्रायंगुलर वॉइड ही रहेगा, करेक्ट ना। बट ए ट्रायंगुलर वॉइड का परफेक्ट अरेंजमेंट रहेगा या इम्परफेक्ट अरेंजमेंट रहेगा, इम्परफेक्ट। इसका मतलब, इस इम्परफेक्ट अरेंजमेंट का मतलब ये हो गया कि सर अब जो मेरा लैटिस स्फीयर जो आपस में कांटेक्ट में था, और जिसका वजह से जो जगह खाली बचा था, उस खाली जगह से बड़ा स्फीयर उसमें मैंने प्लेस कर दिया, तो अब लैटिस स्फीयर आउट ऑफ टच हो जाएगा, करेक्ट। जो पहले अरेंजमेंट था वो सारा अरेंजमेंट नहीं दिखेगा, बट यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर अभी भी कितना रहेगा वॉइड का, 3 रहेगा, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कटायन अभी भी 3 रहेगा, करेक्ट। बट ये परफेक्ट अरेंजमेंट नहीं रहेगा, इसका मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर 3 के लिए दो सिचुएशन, परफेक्ट और इम्परफेक्ट। परफेक्ट कब, जब एग्जैक्टली 0.155, और इम्परफेक्ट कब, जब 0.155 से बड़ा और 0.225 से छोटा, समझे। नेक्स्ट केस, अगर
कटायन और अनायन का रेशियो एग्जैक्टली 0.225 के अगर बराबर हो जाए एग्जैक्ट, तब कौन सा भॉइड एग्जिस्ट करेगा? विस्ट, इसका मतलब है टेट्राहेड्रल वॉइड, राइट? ये टेट्राहेड्रल वॉइड का इम्परफेक्ट अरेंजमेंट रहेगा या परफेक्ट? तो सर परफेक्ट और इम्परफेक्ट पे इतना हम लोग फोकस करें, इसका मतलब क्या है? परफेक्ट अरेंजमेंट का मतलब है कि जो हम लोग एज लेंथ, एज लेंथ मान लीजिए क्यूब है तो एज लेंथ एफसीसी है, लेट अस सपोज एफसीसी है, तो एफसीसी में ए का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग 4r = √2a भी तो करते थे, राइट? याद है एफसीसी में अलोंग द फेस डायगोनल। इसका मतलब परफेक्ट अरेंजमेंट में आपको रेडियस ऑफ विदाउट हेल्प ऑफ रेडियस सॉरी विदाउट हेल्प ऑफ रेडियस विदाउट हेल्प ऑफ रेडियस ऑफ वॉयड वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए ओनली विद द हेल्प ऑफ रेडियस ऑफ लैटिस स्फीयर, इज इट राइट? मतलब अगर परफेक्ट अरेंजमेंट है तो उसमें परफेक्ट अरेंजमेंट बोल रहा है, इसका मतलब अरेंजमेंट गड़बड़ नहीं हुआ है, तो वहाँ पे सिर्फ लैटिस स्फीयर का रेडियस पता रहेगा तब भी हम लोग ए का वैल्यू निकाल लेंगे। लेकिन अगर इम्परफेक्ट हो गया तब आपको रेडियस ऑफ वॉयड का हेल्प लेना ही पड़ेगा। विदाउट हेल्प ऑफ रेडियस ऑफ वॉयड वी कैन नॉट फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए, इज इट राइट? इसका मतलब आज के बाद अगर आर प्लस और आर माइनस का वैल्यू एग्जैक्टली 0.225 हो गया तो ट्रायंगुलर वॉयड रहेगा, लेकिन ट्रायंगुलर वॉयड का परफेक्ट अरेंजमेंट रहेगा, ठीक है? मतलब बिफोर प्लेसिंग द स्फीयर इन द वॉयड एंड आफ्टर प्लेसिंग द स्फीयर ऑफ वॉयड मेरा जो लैटिस स्फीयर का कोई भी जो जैसे था वैसे ही रहा, पहले अगर इन अलोंग द फेस डायग्राम इन कॉन्टैक्ट था तो आफ्टर प्लेसिंग अभी भी कॉन्टैक्ट में बना रहेगा। और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर वॉयड कटायन का कितना हो जाएगा? कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कटायन ये तो फिक्स है ना भाई, टीवी का कोऑर्डिनेशन नंबर, राइट? बट आर प्लस और आर माइनस का वैल्यू अगर 0.225 से बड़ा बट 0.414 से छोटा, इसका मतलब अभी तो 0.414 को टच किया नहीं है, राइट? और ऑब्जेक्टिव ऐसे आएगा, शुभांकर ज्वाइन किए हुए हैं? यस, ऐसे ऑब्जेक्टिव आएगा भाई, आर प्लस बाई आर माइनस ऐसे दे दिया जाएगा, ए टू बी ऐसे दे दिया, ठीक है? एक फार्मूला तब ऐसे दे दिया जाएगा, आर प्लस बाई आर माइनस इक्वल टू 0.3। अब तब पूछा जाएगा व्हाट द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ बी, व्हाट द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ बी। तो रेडियस रेशियो से जैसे ही ये वैल्यू देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि ये वैल्यू तो इसके जोन में फॉल कर रहा है, राइट? तो ये किसके लिए रहेगा? तो अभी भी ये टीवी के लिए ही रहेगा, बट टीवी के लिए परफेक्ट रहेगा या इम्परफेक्ट? परफेक्ट तो ये था, इम्परफेक्ट, लेकिन कोऑर्डिनेशन नंबर तो अभी भी 4 मेंटेन रहेगा क्योंकि टीवी है, राइट? इसका मतलब यहाँ से आपने गेस कर लिया कि यहाँ पे वॉयड किस टाइप के वॉयड में कटायन रहेगा, तो ये कटायन किस टाइप के वॉयड में जाएगा? टीवी में जाएगा, राइट? मतलब इसका एक किस में रहेगा? टीवी में। जैसे ही टीवी में रहेगा मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ए इक्वल टू व्हाट? 4, समझ गए? और जब कोऑर्डिनेशन नंबर ए निकल गया तो क्या कोऑर्डिनेशन नंबर बी निकल जाएगा? तो जेई में निकले तो परफेक्ट क्वेश्चन हो गया, क्योंकि आपको रट्टा भी मारना है, ये चीज़ याद रहेगा तभी ये क्वेश्चन बनेगा, करेक्ट? अब चलिए, अगर r प्लस बाई आर माइनस का रेडियस रेशियो एग्जैक्टली 0.414 को टच कर गया तो ये 0.414 एक किसके लिए था? सर दिस इज ऑक्टाइडल, लेकिन ऑक्टाइडल का भी परफेक्ट, राइट?
परफेक्ट अरेंजमेंट, इसका मतलब यहां पे कटायन किस में जाएगा, ओबी में जाएगा राइट। तो कोऑर्डिनेशन नंबर पता नहीं चल जाएगा कटायन का, यहां पे कोऑर्डिनेशन नंबर क्या रहेगा इस केस के लिए, 6 रहेगा करेक्ट। और अगर r प्लस वाई आर माइनस का वैल्यू, सब लोगों को समझ में आ रहा है एवरीवन? इसके बीच में समथिंग लाइक दिस जीरो, जैसे यहां देखिए मैं एक थोड़ा सा डेमो देता हूं, r प्लस वाई आर एन ए प्लस वाई आर सी एल माइनस, एन ए सी एल का मैंने एग्जाम्पल ले लिया, मुझे याद है इसलिए मैंने यहां पे लिख देता हूं। इसका रेडियस रेशियो 0.51 होता है, ठीक है, हाउ मच 0.51। तो यहां से बताइए तो सोडियम किस वॉइड में जाएगा, यस ऑक्टाहेड्रल वॉइड में जाएगा। और जैसे ही बोल दिया सोडियम ऑक्टाहेड्रल वॉइड में जाएगा, तो सोडियम का कोऑर्डिनेशन नंबर यहां पे कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एनए प्लस 6 राइट। और जैसे ही कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एनए प्लस 6 देन व्हाट द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सीएल माइनस ऑल्सो 6, फार्मूला दिए ना एक, इसका मतलब कितना आसान हो गया आपका लाइफ। इस बात को हम लोग कोरिलेट, लेकिन यहां से ये भी पता चल गया ओके दिस इज नॉट द परफेक्ट अरेंजमेंट ऑफ ओबी, दिस इज द इम्परफेक्ट अरेंजमेंट राइट। अभी भी ये ओबी रहेगा लेकिन परफेक्ट नहीं रहेगा, क्या रहेगा इम्परफेक्ट रहेगा। इसका मतलब क्या है कि इस केस में अगर इस सिचुएशन के लिए अगर हम लोग बात करते हैं और मुझे अगर क्यूब का अरेंजमेंट है उसका एज लेंथ, तो विदाउट हेल्प ऑफ रेडियस ऑफ एन ए प्लस हम लोग ए का वैल्यू नहीं बता पाएंगे, इज इट राइट। तो ऑक्टाहेड्रल यहाँ पे अभी भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना रहेगा 6 रहेगा। 1 by 1 फिर से आएंगे, यही मेन कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है, खासकर न्यूमेरिकल सॉल्विंग के पर्पज से बहुत कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। चलिए, और भाई अगर r प्लस वाई आर माइनस इक्वल टू एग्जैक्ट 0.732 हो गया देन इन कौन सा वॉइड, टाइप ऑफ वॉइड क्या रहेगा क्यूबिकल राइट। और कोऑर्डिनेशन नंबर कितना रहेगा किसका, जो वॉइड में जाएगा 8, बट एक क्या रहेगा इम्परफेक्ट या परफेक्ट, परफेक्ट। और r प्लस बाई आर माइनस का वैल्यू अगर 1 से छोटा और 0.732 से बड़ा, मतलब अभी भी एक क्यूबिकल ही रहेगा, समझे ना, बट एक क्यूबिकल के लिए क्या रहेगा इम्परफेक्ट रहेगा, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना रहेगा 8 रहेगा, क्लियर है एवरीवन। चलिए, तो सर अब r प्लस बाई आर माइनस का वैल्यू अगर 1 से बड़ा हो जाएगा तो, वन से बड़ा हो जाएगा तो रेडियस रेशियो उल्टा कर देंगे करेक्ट। अब अगर सपोज कीजिए कि a वैल्यू r प्लस बाई आर माइनस 1.2, इसका मतलब डैम श्योर कटायन बड़ा हो गया अनायन छोटा हो गया, इसका मतलब अब कटायन बड़ा हो गया अनायन छोटा हो गया, इसका मतलब है कि अब वॉइड में जाएगा अनायन और लैटिस पॉइंट एक्वायर करेगा कटायन, इज इट राइट। तो सर उस केस में फिर आपका कॉन्सेप्ट चेक करने के लिए ऐसे भी तो दे सकते हैं, मेरी मर्जी है, आपका आईक्यू लेवल चेक करना चाह रहा हूँ, आर प्लस बाई आर माइनस इक्वल टू 1.2, तब पूछ रहे हैं वॉइड में कौन जाएगा और किस टाइप के वॉइड में जाएगा, जरा आंसर बताइए। तो आपको क्या करना चाहिए, r माइनस बाई आर प्लस कर देंगे राइट, तो 1 by 1.2 मोटा मोटी कितना 0.8 के आसपास, तो 0.8 है, इसका मतलब एक क्यूबिकल वॉइड में फॉल कर रहा है और क्यूबिकल वॉइड का इम्परफेक्ट है, इसका मतलब वॉइड में कौन जाएगा अनायन जाएगा और क्यूब के कॉर्नर पे कौन रहेगा कटायन रहेगा, इज राइट।
3D बना लीजिएगा। कैलकुलेशन ऑफ एज लेंथ विथ डिफरेंट डिफरेंट पॉसिबिलिटी ऑफ रेडियस रेशियो। चलिए हो गया ना। चलिए इस पॉसिबिलिटी को छोड़ देते हैं, क्योंकि इस पॉसिबिलिटी को देखिएगा तो ये तो ट्रायंगुलर वॉइड में जाएगा नहीं, लीनियर वॉइड में जाएगा, राइट। यहाँ से स्टार्ट नहीं करते हैं, एक आर आर प्लस बाई आर माइनस इक्वल टू कौन सा बहुत नहीं चाहिए उसको, उस पर नहीं आएगा, वो वन डायमेंशनल है, वो जस्ट वॉइड लीनियर वॉइड क्लिक कर दिए, बट मुझे लगता है कि वो नहीं चाहिए, तो बिना किए हुए भी काम चल जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसमें तो ऐसे ही कैलकुलेट हो जाएगा ना, ऐसे ही तो रहेगा, लीनियर में रहेगा, राइट, तो ऐसे ही कैलकुलेट हो जाएगा। प्लस उस टाइप उस वॉइड के लिए क्वेश्चन हम लोग को मिलेगा भी नहीं, जहाँ तक मेरा जो पूर्वानुमान है। चलिए स्टूडेंट अब यहाँ बताइए, ध्यान से सुनिएगा, अब यहाँ से कैलकुलेशन करने के लिए सीखिए, न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। बताइए ये इम्परफेक्ट है या परफेक्ट अरेंजमेंट का एग्जांपल है? परफेक्ट है, इसका मतलब अब मुझे इस ट्रायंगल का एज लेंथ चाहिए, इस ट्रायंगल का एज लेंथ, राइट, ए बी सी का, तो यहाँ पे अभी भी ए परफेक्ट अरेंजमेंट है, इसका मतलब इसमें जब तक स्फीयर नहीं डालते हैं या स्फीयर डालते हैं, स्फीयर ये यहाँ पे वॉइड का स्फीयर बिफोर प्लेसिंग ये आपस में कॉन्टेक्ट में है, आफ्टर प्लेसिंग आपस में वही कांटेक्ट में जैसे पहले था, क्योंकि परफेक्ट है, राइट, तो नहीं लेता कि यहाँ पे ए बी इक्वल टू ए इक्वल टू जस्ट टू आर से काम चल जाएगा, आर प्लस आर, राइट, तो ए ए इक्वल टू टू आर बिफोर या आफ्टर या सर किसी भी केस में परफेक्ट है, करेक्ट है ना। लेकिन अब इसमें इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट यहाँ से यहाँ तक AP का वैल्यू क्या R प्लस आर लिख सकते हैं? इट AP इक्वल टू R प्लस आर। अब आप उसमें आप अब आप करेंगे क्या कि आप R का वैल्यू कैपिटल R स्मॉल R के टर्म में भी आप सोचेंगे नहीं, इसके हेल्प से मैं A निकालूंगा। तो मैं आपको अभी जस्ट एक मिनट प्रूफ कर दूंगा कि यहाँ पे विदाउट ए इक्वल टू टू आर आया, ए इक्वल टू कितना
टू आर, आर प्लस आर भी कीजिएगा तो इस केस में वैल्यू टू आर के बराबर ही मिलेगा। वजह क्या है, यहाँ पे आर प्लस आर इक्वल टू क्या इतना लिख पाएंगे, लिख ही सकते हैं इस वैल्यू से राइट, क्या यहाँ से लिख पाएंगे, और R इक्वल टू क्या मिल गया 1.155, इज राइट 1.155। और ए वैल्यू यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू कितना था इन टर्म्स ऑफ ए, इन टर्म्स ऑफ ए ए पी का वैल्यू बताइए, इन टर्म्स ऑफ ए, ए के अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल केस में ए के लेंथ ए के रेस्पेक्ट में कॉर्नर से सेंट्रोइड का डिस्टेंस कितना, ये तो एक मिनट में निकालेंगे भाई, ये 30 डिग्री है राइट, तो कॉस 30 इक्वल टू क्या लिखिएगा ए बाई टू बाई ए पीस 2 बाई रूट थ्री ए, ए है सब लोग देख लीजिएगा, सही बोल रहे हैं ना, 1/√3 तो ए पी इक्वल टू हाँ रूट थ्री बाई टू रूट थ्री बाई कॉस 30, तो ये हो जाएगा रूट थ्री बाई टू, टू टू तो कैंसिल हो जाएगा ना, तो ए पी इक्वल ए बाई रूट थ्री होगा राइट, ए बाई रूट थ्री, तो ए इक्वल टू आर रूट थ्री 1.155, और रूट थ्री को 1.155 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो एग्जैक्टली टू आ जाएगा, ठीक है 1.732 इंटू 1.155 देखिए, तो मल्टीप्लाई करके मोटा मोटी कैलकुलेटर पर थोड़ा देखिए तो मल्टीप्लाई करके कितना आता है, आना भी चाहिए था। इसका मतलब है कि यहाँ पे अगर स्मॉल आर का हेल्प लेते हैं और विदाउट हेल्प ऑफ स्मॉल आर, ए का वैल्यू पे कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी मैं बोल रहा हूँ कि एक्चुअल में ए रिलेशन भी हम लोग को ए पी इक्वल टू ए बाई रूट थ्री, ए पी इक्वल टू ए बाई रूट थ्री था ना ए रिलेशन, इसका मतलब इस केस में ए निकालने का दो रिलेशन मेरे हाथ में है, एक रिलेशन ए है और एक रिलेशन ए है, इसमें कौन इन्वॉल्व है, वॉइड का रेडियस भी, इसमें वॉइड का रेडियस इन्वॉल्व, बट ज़्यादा आप ये तो ये तब तक आपका हेल्प करेगा जब तक परफेक्ट बात रहेगा, इम्परफेक्ट में इसके बिना काम नहीं चलेगा, ठीक है ना, इसका मतलब ये ज़्यादा बेस्ट है, करेक्ट है एवरीवन। चलिए अब यहाँ तक आइए, इसका मतलब यहाँ पे तो मैंने एक डेमो दे दिया कि परफेक्ट है भाई, आप पर सिर्फ लैटिस स्फीयर के रेडियस के हेल्प से आप निकाल पाएंगे एज लेंथ, चाहे ट्रायंगल का हो या क्यूब का हो या स्क्वायर का हो, इज इट राइट। चलिए इसको हटाएं, और अगर इसको मैं परफेक्ट बोल रहा हूँ इसका मतलब ये स्टेबल सिचुएशन होगा, ये हाईली स्टेबल सिचुएशन किसके लिए, ट्रायंगुलर वॉइड के लिए। इसमें क्या हुआ है कि कटायन कटायन तीनों अनायन को अगर बीच में वॉइड में कटायन गया, लेट अस सपोज, तो कटायन तीनों अनायन को टच कर रहा है और अनायन लिमिटिंग कॉन्टेक्ट में है, मतलब ऐसा लग रहा है कि टच में है बट टच में नहीं है, लिमिटिंग कॉन्टेक्ट मतलब उससे ज़्यादा क्लोज नहीं आ सकता है। इस केस में परफेक्ट अरेंजमेंट के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट, इसका नाम ही है परफेक्ट अरेंजमेंट, इसका मतलब यह स्टेबल सिचुएशन रहा होगा,
किसके लिए? कटाइन के, कटाइन और अनायन के अरेंजमेंट के लिए। यहाँ देखिए, एक कटाइन तीन तीन अनायन से कांटेक्ट में है, तो कटाइन तीनों कांटेक्ट में है और अनायन लिमिटिंग कांटेक्ट में है। अब इससे ज़्यादा क्लोज नहीं आ पाएगा क्योंकि बीच में कौन है? कटाइन बैठा हुआ है, राइट। इसका मतलब कटाइन का ज़्यादा कांटेक्ट नहीं बन रहा, और सॉरी अनायन अनायन के बीच में कांटेक्ट कम बन बैठ पा रहा है, और कटाइन और अनायन के बीच में कांटेक्ट ज़्यादा बैठ पा रहा है क्योंकि कटाइन ज़्यादा अनायन से घिरा हुआ है और अनायन एक दूसरे के लिमिटिंग कांटेक्ट में आ गया। टच में है बट उससे ज़्यादा क्लोज नहीं आ सकता है। लास्टली, दिस इज द परफेक्ट अरेंजमेंट। बट भाई सिचुएशन यहाँ पे कहानी ख़राब होगा कहाँ पे? अब बताइए इस केस में सिचुएशन क्या रहेगा? इसका मतलब अभी भी तो ट्रायंगुलर वॉयड है। कौन सा वॉयड? जब काम करने का टाइम रहता है उस टाइम पे भाई बात किया कीजिए, बिना काम के टाइम पे जहाँ पे ज़रूरत नहीं रहता उस पे ज़्यादा फोकस हो जाता है। इसमें किस टाइप का वॉयड रहेगा? यस, ट्रायंगुलर वॉयड रहेगा। लेकिन इस केस में नहीं लगता है कि जितना साइज वॉयड का था उससे बड़ा स्फीयर ले लिए हैं? इसका मतलब है कि उससे बड़ा साइज का अगर यहाँ पे कटाइन डाल दिए तो कटाइन अनायन और अनायन एक दूसरे से दूर चला गया। करेक्ट है एवरीवन? ए बी सी अभी भी एक लेटरल ट्रायंगल ही रहेगा, अभी भी इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 3 ही रहेगा। बट यहाँ पे अब ए इक्वल टू 2R, मतलब ए इक्वल टू 2R माइनस, जिसका बड़ा साइज था उसको मैं कैपिटल R से दिखा रहा था। क्या इस ए इक्वल टू 2R माइनस लिख पाएंगे? क्या इक्वल है? ये समझ रहे ना, कैपिटल R मैं किसके बदले यूज करता हूँ? बड़े स्फीयर के बदले। यहाँ पे मेरा बड़ा स्फीयर क्या है? अनायन है, राइट। ए यहाँ पे भाई 2R माइनस से बड़ा हो गया, राइट। इसका मतलब इम्परफेक्ट अरेंजमेंट ऑफ ट्रायंगुलर वॉयड के लिए आपको सिर्फ ओनली बाय द रेडियस ऑफ अनायन वी कैन नॉट फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए। ट्रायंगल का साइड लेंथ हम लोग नहीं निकाल पाएंगे। तो तब इस केस में आपको किसका हेल्प लेने का रिक्वायरमेंट होगा? इसका रिक्वायरमेंट होगा, करेक्ट। और यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू कितना है? ए बाई टू। बट ए तो अभी भी वैलिड रहेगा, ए बाई रूट थ्री। बट ए और ए तो कॉन्टेक्ट में रहेगा ना, अनायन और कटायन। अनायन और अनायन कॉन्टेक्ट से खत्म हो गया, दूर चला गया, बट अनायन और कटायन तो कॉन्टेक्ट में रहेगा, इज इट राइट। तो ए वाला वैलिड नहीं होगा, बट ए वाला वैलिड होगा या नहीं होगा जरा बताइए। तो आर माइनस अब प्लस आर प्लस, क्या ए वैलिड होगा? यस। इसका मतलब है कि यहां से अब ए निकालना पड़ेगा, समथिंग लाइक दिस। नहीं, और ये बात अगर डिस्कस नहीं करते आज के क्लास में तो आपको तो ट्रायंगुलर वॉयड के लिए ऑलवेज यही रिलेशन नज़र आते रहता, ए इक्वल टू 2R से काम चलाते रहते, समझे? तो ए इक्वल टू रूट थ्री आर माइनस प्लस आर प्लस, इट राइट। तो सर यहाँ पे आर माइनस प्लस आर प्लस, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट, उस केस में आपको किसी एक का रेडियस दिया रहेगा। तो मान लेते हैं कि R माइनस का वैल्यू मैंने दे दिया, लेट अस सपोज आपको समझाने के लिए 400 एंगस्ट्रॉम, कितना रेडियस दे दिया? 400। और R प्लस बाई R माइनस का वैल्यू दे दिया 0.2। तो भाई क्या यहाँ से कैलकुलेट नहीं हो जाएगा R प्लस का वैल्यू? देखिए तो इन दोनों के हेल्प से क्या R प्लस भी निकल गया आपका इन टर्म्स ऑफ R माइनस? बोलिए भाई थोड़ा बहुत टाइम निकाल कर। यस, तो ऐसे दिया रहेगा, ये दिया रहेगा और किसी एक का रेडियस दिया रहेगा। तो ये दिया हुआ है और किसी एक का रेडियस दिया, मतलब दोनों का रेडियस दिया हुआ है, राइट। रेडियस रेशियो ही दिया हुआ है। तो इस केस में यहाँ से काम चलाना है, इसमें विदाउट हेल्प ऑफ आर प्लस मतलब रेडियस ऑफ कटाइन हम लोग नहीं फाइंड आउट कर सकते। इसका मतलब है कि सर ओके, इस टाइप ऑफ प्रॉब्लम में
हम लोग को किसी एक का रेडियस और रेडियस रेशियो एटलीस्ट देना पड़ेगा, तब भी काम चल जाएगा, इट राइट? बट यहाँ से काम नहीं चलेगा, समझे? हो गया ठीक? तो इसका नाम अगर इम्परफेक्ट अरेंजमेंट ऑफ ट्रायंगुलर वॉइड अगर बोल रहे हैं तो यह स्टेबल सिचुएशन है या अनस्टेबल सिचुएशन है कैटायन और एनायन के बीच का? बोल ही रहे हैं भाई इम्परफेक्ट, परफेक्ट तो बोल ही रहे हैं, राइट? कि सब कुछ सही हो गया, इम्परफेक्ट बोल रहे हैं तो ये अनस्टेबल सिचुएशन है। अब इसमें थोड़ा सा मैं आपको कंफ्यूज करते हुए निकल जाता हूँ, ठीक है? यहाँ पे कट आप कुछ टाइम तक तो ये लगेगा कि सर यहाँ तो ये बढ़िया सिचुएशन लग रहा है कि अनायन अनायन एक दूसरे से दूर हो गया, मतलब अनायन और अनायन दूर हो गया, मतलब रिपल्सन कम हो गया, राइट? और कटायन अनायन के बीच में कॉन्टेक्ट ज़्यादा हो गया, तो सर ये तो बढ़िया सिचुएशन लग रहा था अट्रैक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, इट राइट? कि अट्रैक्शन ज़्यादा और रिपल्सन कम, तो ओवरऑल तो ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए था, जिसको आप इम्परफेक्ट बोल रहे हैं। आई एग्री। फिर याद आ गया कूलम्स लॉ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, राइट? याद है भाई? ये तो ठीक है, ये दूर हो गया, बट साथ में ये भी तो दूर हो गया, ये इसके बीच का डिस्टेंस भी तो बढ़ गया, सेंटर सेंटर, करेक्ट? तो फर्स्ट मोमेंट में देखने से लग रहा था कि अट्रैक्शन बढ़ रहा है, बट अट्रैक्शन भी घट गया है, रिपल्सन कम करने के चक्कर में अट्रैक्शन भी आपने कम कर दिया, राइट? ठीक है। और लास्टली अनस्टेबल है, वजह इम्परफेक्ट है। हाँ ए नॉट इक्वल टू, अच्छा दिस वन नॉट इक्वल टू, ए मैंने बोला था कि अगर परफेक्ट रहता तो ए इक्वल टू टू आर होता, बट अभी यहाँ पे इसका रेडियस अगर आर मान बड़े वाला का, यहाँ देखिए बिगर का, बिगर का हम लोग रेडियस को कैपिटल आर से दिखाते हैं, तो बिगर मेरा यहाँ पे आर माइनस है, तो आर माइनस में तो यहाँ मेरा कैपिटल आर है, ठीक है? बट क्या यहाँ पे मेरा इस ट्रायंगल का एज लेंथ तो यहाँ से यहाँ तक है निलंजन, बट क्या इसको 2r के बराबर बोल पाएंगे? r और r तो इतना ही रहा ना, बीच में तो ये खाली रह गया, तो नहीं था क्या 2r से बड़ा है ये? इसका मतलब a नॉट इक्वल टू 2r, मतलब इक्वल नहीं है तो कम है या ज़्यादा है, ये पूछ रहा हूँ। इक्वल तो नहीं है तो दो ही बात, या तो कम नहीं तो ज़्यादा, तो सर ज़्यादा है, राइट? ए मैंने बोला था, आईसी को मैंने बोला था ए नॉट इक्वल टू टू आर माइनस। तो ट्रायंगुलर वॉइड का परफेक्ट और इम्परफेक्ट में ए का वैल्यू तो निकाल पाएंगे ना किसी पर्पस के लिए, अब लिखिए एक्जेक्टली 0.225। तो 0.225 रहेगा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट। इसका मतलब टेट्राहेड्रल वॉइड का परफेक्ट अरेंजमेंट है, अब यहां पे अब टेट्राहेड्रल वॉइड दो जगह जनरली एग्जिस्ट करता है, टेट्राहेड्रल वॉइड जनरली दो जगह मिलेगा आपको, एक कहाँ कहाँ, या तो एफसीसी में तो एचसीपी में, राइट? या तो एफसीसी में नहीं तो एचसीपी में, करेक्ट ना एवरीवन?
इसलिए मान लेते हैं लेट यूनिट सेल इज एफसीसी। कैसा है मेरा यूनिट सेल? एफसीसी है। और एफसीसी में लैटिस स्फीयर कहाँ पे होता है? यहाँ देखें, इस केस में लैटिस स्फीयर कहाँ रहेगा इस रेशियो के लिए? लैटिस स्फीयर लैटिस पॉइंट होता है, बोलिए भाई, यस। और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस को क्या बोल सकते हैं? रूट टू ए। आर रूट टू ए इक्वल टू क्या? फोर आर बोल सकते हैं, करेक्ट ना? तो इसका मतलब है कि सर ए का वैल्यू निकालने के लिए सिर्फ अनायन का रेडियस, बिगर स्फीयर लैटिस स्फीयर का रेडियस पता रहेगा तब भी निकल जाएगा, जहाँ तक मुझे याद है, राइट? बट टेट्राहेड्रल वॉयड में रेडियस रेशियो भी निकाले थे, याद है आप लोग को? क्या था ए इक्वल टू? कितना था? रूट थ्री बाई फोर था या फोर बाई रूट थ्री था? कितना था एवरीवन? मुझे जहाँ तक याद है कि शायद ए भी एक रिलेशन था टेट्राहेड्रल वॉयड के केस में, टेट्राहेड्रल वॉयड और एफसीसी के लिए, राइट? क्यूब के लिए नहीं, मतलब क्यूब में एफसीसी के लिए, किसके लिए? एफसीसी के लिए, इज इट राइट? एक अरेंजमेंट मैंने आपको पिछले क्लास में शायद ऐसा भी दिखाया होगा, याद है सबको? चलिए, तो अगर परफेक्ट अरेंजमेंट रहेगा, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट, अगर परफेक्ट अरेंजमेंट रहेगा तो परफेक्ट अरेंजमेंट में ए का वैल्यू यहाँ से निकालें या ए का वैल्यू यहाँ से निकालें, डिफरेंट वैल्यू मिलेगा या वही वैल्यू मिलेगा? सेम वैल्यू मिलेगा, राइट? तो भाई जब सेम वैल्यू ही मिलेगा, फोर बाई रूट थ्री था, मैं जानबूझ के छोड़े हुए था ताकि आप लोग रिकॉल करें, फोर बाई रूट थ्री। तो इस केस में सर विदाउट हेल्प ऑफ रेडियस ऑफ कटायन, क्योंकि ए वैल्यू फोर आर माइनस और लास्ट में ए भी फोर आर माइनस ही होने वाला है परफेक्ट के लिए, इसका मतलब यहाँ पे रेडियस ऑफ कटायन का हेल्प लेने का रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ रेडियस ऑफ अनायन। इसका तो बिफोर प्लेसिंग एंड आफ्टर प्लेसिंग इसके रिलेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट? तो यहाँ से भी निकाल सकते हैं, यहाँ से भी निकाल सकते हैं, करेक्ट ना? चलिए, एक केस हो गया, हम लोग ए निकाल रहे हैं एफसीसी के लिए, टेट्राहेड्रल वॉयड है, इस टेट्राहेड्रल वॉयड में मैंने क्या सपोज किया? लेट अस सपोज मेरा यूनिट सेल एफसीसी है, तो यूनिट सेल एफसीसी है तो उसमें अगर वॉयड में कुछ नहीं रहता है, वॉयड में कोई स्फीयर नहीं है, तो हम लोग का रिलेशन ये था। अब अगर वॉयड में कोई स्फीयर आ भी गया बट परफेक्टली आया, तब भी इस रिलेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इज इट राइट? बट उस केस में हम लोग का ए का रिलेशन इस तरीके से भी रहेगा। ये पता है कि ए का ये रिलेशन कहाँ से लाए थे? याद होगा, मिनी क्यूब बनाए थे एफसीसी में टेट्राहेड्रल वॉयड का लोकेशन से, राइट? और आठ मिनी क्यूब, और उस हर मिनी क्यूब के सेंटर पे बॉडी का, हर मिनी क्यूब के बॉडी सेंटर पे टेट्राहेड्रल वॉयड रहता था, वहाँ से ये रिलेशन डेवलप किया था। ओके, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट आर प्लस, मैं एफ सी सी के लिए अभी काम कर रहा हूँ, अब यहाँ से मैं एफ सी सी को लेकर चल रहा हूँ, आर प्लस बाई आर माइनस का वैल्यू 0.414 से छोटा बट 0.225 से अगर बड़ा, मतलब 0.225 से बड़ा और 0.414 से अगर छोटा है, तो इस केस में क्या हो जाएगा? अभी भी तो रहेगा टेट्राहेड्रल ही, बट आपको नहीं लगता है कि हर मिनी क्यूब के सेंटर पे जितना जगह था उससे बड़ा स्फीयर उसमें जाकर डाल दिए, जितना जगह था उससे बड़ा स्फीयर डाल दिए, तो आपका जो क्यूब था वो सिमेट्रिकली एक्सपेंड कर गया, राइट? एक लाइन लिखे तो
एफसीसी लैटिस विल एक्सपैंड, एफसीसी लैटिस विल एक्सपैंड एंड नाउ एनायन विल नो लॉन्गर इन कॉन्टैक्ट एंड एनायन विल नो लॉन्गर बी इन कॉन्टैक्ट अलोंग द फेस डायगोनल. एफसीसी लैटिस विल एक्सपैंड. क्यों एफसीसी लैटिस एक्सपैंड करेगा एवरीवन? ये तो बात समझ में आ गया. एफसीसी लैटिस विल एक्सपैंड एंड नाउ एनायन विल नो लॉन्गर बी इन कॉन्टैक्ट अलोंग द फेस डायगोनल. क्योंकि एनायन और एनायन फेस डायगोनल के अलोंग ही कॉन्टैक्ट में था एफसीसी में, राइट. लैटिस स्फीयर एफसीसी में किसके अलोंग कॉन्टैक्ट में था? अलोंग द फेस डायगोनल, राइट. बट क्या अब कॉन्टैक्ट में रहेगा? कॉन्टैक्ट में नहीं रहेगा. वजह सर, क्यूब तो बड़ा हो गया, बट क्यूब के बड़ा होने से लैटिस स्फीयर तो बड़ा नहीं हुआ. स्फीयर तो जैसा था वैसा ही रहा, राइट. एटम तो बड़ा नहीं हुआ, जगह बड़ा हो गया, राइट. तो इस केस में क्या ये रिलेशन अब वैलिड रहेगा? रूट टू ए इक्वल टू क्या 4R लिख पाएंगे? नहीं लिख पाएंगे. क्यों नहीं लिख पाएंगे सर? अब ए का वैल्यू बड़ा हो गया, पहले बड़ा नहीं रहा, तो अब ए 4R से बड़ा रहेगा, ये राइट. यस, तो इस केस में भाई आपको ए का वैल्यू, देखिए मैं यहाँ पे ही कमाल करते रहता था, चाहे परफेक्ट हो या इम्परफेक्ट हो, मैं ए का वैल्यू निकालने के लिए ऑलवेज यही एफसीसी के लिए, एफसीसी के लिए मैं इसको ब्रह्मास्त्र मान लिया था. परफेक्ट हो या इम्परफेक्ट, बस ए का वैल्यू पूछा, इसको लगा लेते थे, आंसर आ गया फाइन, नहीं आंसर आया तो मिला लेते थे. बाद में समझ में आया कि इसको कब लगाना है और कब नहीं लगाना है, ठीक है. तो यहाँ से ए का वैल्यू निकालने के लिए अब किसका यूज करेंगे? ये अब काम नहीं करेगा, ये काम करेगा, राइट. अब यहाँ से काम करना है, समझे एवरीवन? चलिए हो गया ना. एग्जैक्टली 4.414 करेक्ट है. तो इस केस में ये किसके लिए है? अरे मैं एफसीसी के लिए ही काम कर रहा हूँ, तो एफसीसी के लिए भाई ये तो परफेक्ट है ना. ये क्या है? ऑक्टाहेड्रल वॉइड के लिए परफेक्ट है. तो जब परफेक्ट है तो परफेक्ट के केस में तो ये वाला ऑलवेज वैलिड रहेगा ही रहेगा, हाँ या ना, एफसीसी के लिए. जब परफेक्ट है तो एफसीसी का ए रिलेशन एज लेंथ, इसका मतलब ए अभी ए रिलेशन काम करेगा नहीं करेगा? तो सर आपने तो ए रिलेशन टीवी के लिए बोल दिया. भाई टीवी हो या ओ भी हो, कुछ भी हो, अगर वॉइड में का परफेक्ट अरेंजमेंट है तो उसका अपना जो ओरिजिनल कॉन्फिग्रेशन है रिलेशन, वो तो अभी भी मेंटेन हो रहा है, राइट. तो यहाँ भी रूट टू ए इक्वल टू क्या 4R यहाँ भी वैलिड रहेगा, राइट. लेकिन यहाँ पे एक और रिलेशन वैलिड रहेगा, बोलिए कौन सा था? जहाँ तक मुझे याद आ रहा है 2 × R++R-, ये भी तो एक रिलेशन था. देखे तो इस केस में इसके हेल्प से निकालें या इसके हेल्प से निकालें, डिफरेंट वैल्यू आएगा या सेम ही वैल्यू आएगा? एग्जैक्टली सेम वैल्यू आएगा. यस, प्रॉब्लम कहाँ पे होगा सर? अगर 0.414 से अगर बड़ा हो गया तो अभी भी तो है ओ भी रहेगा, बट इम्परफेक्ट हो गया, राइट. तो क्या ए वाला रिलेशन अब काम करेगा? ए रिलेशन सर अब काम नहीं करेगा. तब ए का वैल्यू कहाँ से निकालेंगे? तब ए का वैल्यू ओ भी के, ओ भी जब रहेगा, ओ भी का इम्परफेक्ट, तो यहाँ से निकालेंगे आर प्लस प्लस आर माइनस, इज इट राइट? हो गया एवरीवन? चलिए
इस केस में इसका हेल्प लेंगे। और इस केस में भी आपका, यहाँ देखिएगा, इस केस में भी आपका क्यू FCCQ यूनिट सेल एक्सपेंड करेगा नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। बोले कैसे करेगा, क्यों करेगा? सर इस केस में वॉयड था एज के सेंटर पे, आप ऐसे मानिए सारे एज के सेंटर पे, राइट? और सारे एज के सेंटर पे जितना जगह था उसे बड़ा बड़ा स्फेयर डाल दिए, तो सारा एज तो बड़ा हो गया, एज लेंथ। और साथ में बॉडी के सेंटर पे भी है, सिमेट्रिकली जितना साइज था बॉडी के सेंटर पे ओवी का, ऑक्टेटल वॉयड का, वहाँ भी बड़ा डाल दिया। मतलब पूरा क्यूब आपका अनसिमेट्रिकल एक्सपेंशन हुआ क्यूब का, या सिमेट्रिकली एक्सपेंड कर गया? सिमेट्रिकल अभी भी क्यूब ही रहेगा, सिमेट्रिकली एक्सपेंड कर गया, राइट? तो थ्योरी वाइज मोस्ट लाइकली स्टूडेंट टू मोर क्लासेस सॉलिड स्टेट का, ठीक है? और उसके बाद कम से कम तो इसका प्रॉब्लम डिस्कशन में मिनिमम 2 से 3 क्लास चाहिए, क्योंकि इसका प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं बनाया है, मतलब बनाया ही नहीं है, करेक्ट? ठीक है, तो आज के इतना ही रहने दीजिए। एक क्लास, अब एक ही क्लास का रिक्वायरमेंट है, तो एक क्लास आईनी तो खत्म हो गया है, तो उसके बाद करवा देंगे। बट कल सिर्फ ऑर्गेनिक का रखते हैं स्टूडेंट, ठीक है? कल जो मैं क्लास अरेंज करता हूँ।